हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी हो रहा है रात का टाइम और अभी 10:30 बज चुके हैं। तो हम लोगों ने अपना जो है खाना पीना कर लिया है। खाना पीना हमारा हो गया है, डिनर पूरा। तो अभी मैं थोड़ा सा किचन की साफ सफाई कर लूँगी और फिर हम लोग मिलेंगे सुबह को। और चलिए फिर हम अपना किचन की जो साफ सफाई थोड़ी सी है मैं उसको कर लेती हूँ। और रात को ना किचन साफ करके सोने से बहुत ही रिलैक्स फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं ना रोज मतलब किचन की साफ सफाई करती हूँ और फिर सोती हूँ। तो फिर चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो अभी मैंने जो रात की मेरी जो क्लीनिंग होती है मैं उसको कर रही हूँ और मैंने गैस को साफ कर लिया है और जो सब कुछ मैं झाड़ू भी कर लूँगी किचन को। तो सब कुछ करने के बाद अगर सोने से ना बहुत ही अच्छा लगता है और किचन का काम अगर पड़ा हुआ होता है तो सुबह उठकर ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। तो इसीलिए मैं रात को ही सारा काम कर लेती हूँ। तो अभी मैंने जो गैस और इंडक्शन है उसको साफ़ कर लिया है और अभी मैं इसको झाड़ू भी कर दूँगी। और आप सभी लोग ऐसे ही करते होंगे क्योंकि सबको ही ऐसा लगता है, हम सब लेडीज़ को ऐसा ही फील होता है कि अगर किचन साफ ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ना मैं हर रात को किचन साफ़ करती हूँ और जिस दिन मेरा रह जाता है किचन क्लीनिंग का काम तो उस दिन मुझे बहुत ही टेंशन होने लगती है, अच्छे से नींद भी नहीं आती है कि सुबह उठकर काम करूँगी बोल के। और अभी मैं चावल को भिगो रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह के नाश्ते के लिए रोटी बनानी है। तो इसमें मैंने जो अरुआ और उसना दोनों चावल दे दिए हैं और उड़द की दाल दे दूँगी। और आपको कितनी कितनी मतलब मैं दे रही हूँ यही दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग देख लीजिए कभी अगर आप बनाओगे तो। तो अभी मैंने सारे जो चीज़ें हैं उसको मिक्स करके फिर इसको मैं भिगो दूँगी। और तो फिर चलिए दोस्तों, मेरा सारा काम अभी हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने चावल को भिगो दिए हैं क्योंकि मुझे कल जो बिना ऑयल की चीला होती है इसे हम लोग ना यहाँ पे मतलब आप लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी इसको नहीं बनाते हैं, हम लोग ओडिशा में इसको बनाते हैं। मतलब ओडिशा की है ये रेसिपी, तो मेरी मम्मी हमेशा बनाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसीलिए मैंने चावल को भिगो कर रख दिया है और मैं इसकी चीला बनाऊंगी और कल बनाऊंगी मैं तो इसकी रोटी बनाऊंगी। मोटा मोटा रोटी बनती है इसकी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कितना अच्छा बनता है ये। तो फिर चलिए फिर अभी हम लोग गुड नाइट कह देते हैं और मिलते हैं फिर मॉर्निंग को। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और अभी मैं आ गई हूँ अपना मुंह हाथ धो के। और सोने से पहले ना मैं रोज़ अपना मुंह धोती हूँ और सोती हूँ। तो फिर चलिए फिर गुड नाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो अभी बज चुके हैं 8 बजने वाले हैं। तो मैं आ गई हूँ नहा के और मैंने अपने कपड़े सुखा लिए हैं और मैं छत पे आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो अभी मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। और मैं नाश्ते में आज जो आप लोगों को मैंने कल दिखाया था कि मैंने जो चावल को भिगो कर रखा था उसकी रोटी बनाऊँगी तो बिना ऑयल वाली। तो चलिए फिर नाश्ता बना लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और अभी मैं पानी लेके आ गई हूँ। वैसे तो हमारे घर पे ही पानी आता है लेकिन थोड़ा सा किचन से दूर है पानी जहाँ हम लोग भरते हैं तो इसलिए उधर से लाना पड़ता है। और वैसे तो ये हम लोगों का किचन नहीं है, आप लोग जो लोग नए हो वो लोग तो नहीं पता होगा कि हम लोगों का जो किचन है नहीं बनाया है अभी तक। तो इसमें इसलिए मैं यहाँ पर खाना बनाती हूँ तो इसमें कोई भी सिंक नहीं है या फिर कोई भी नल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को जो हमारा बैक साइड एरिया है वहाँ पे नल लगा हुआ है तो वहीं पे हम लोग पानी भरते हैं और वहीं पे मैं बर्तन भी धोती हूँ तो इसलिए मैं वो वहाँ से लेके आती हूँ। और अभी जो चावल मैंने रात को भिगोए थे उसको मैं अभी साफ़ कर लूँगी और इसमें ना बहुत ज़्यादा पत्थर कंकड़ होते हैं चावल में तो इसलिए मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मेरा जो चावल है बहुत ज़्यादा हो गया था फूलने के बाद तो इसलिए मैंने आधे चावल को रख दिया है और आधे चावल को मैं अभी पीस लूँगी मिक्सी में।
और मैंने चटनी की भी तैयारी कर ली है, जैसे कि टमाटर और धनिया पत्तर मिर्च और लहसुन की मैं चटनी बनाऊंगी इसमें। और वैसे तो ये सब्जी के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ। और अभी ये जो मेरा मिक्सी है मैंने किचन में नहीं रखा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी मतलब बोर्ड नहीं है, एक्स्ट्रा पिन नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं पर ही इसको पीस लूँगी। और चावल को मैंने पीस लिया है, और अभी मैं चटनी भी पीस लूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा जो ये जो रोटी मैं बना रही हूँ ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मेरा चटनी भी मैंने पीस लिया है, और चटनी थोड़ा कम है इसलिए अच्छे से नहीं पीसा है, तो मैं इसको फिर अच्छे से इधर उधर करके फिर इसको और एक बार मतलब लगा दूँगी। और अभी मेरा चटनी भी हो गया है, तो अभी मैं इसको एक जो कटोरी है उसमें निकाल लूँगी, और सारे जो चीज़ें हैं जो मिक्सी के उसको धो लूँगी अच्छे से। और अभी मैं इसमें चाय चढ़ा रही हूँ, और मैंने चाय चढ़ा दिया है इंडक्शन में, और अभी इधर मैं जो गैस है गैस में मैं जो रोटी है उसको बना लूँगी। तो इस रोटी को ना हम तावे पे भी बना सकते हैं और कढ़ाई पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तावे पे बनाई है। तो इसमें तो वैसे तो ये मिट्टी के जो तावा होता है जो हम लोगों के गांव में मिलता है उसमें बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है वो, तो इसीलिए मैंने तावे पे बनाया है। और आप लोग अगर कभी बनाओगे ना तो जिसमें भी आप लोग बनाओगे उसको अच्छे से गर्म करना होता है, नहीं तो ये फिर उसमें चिपक जाएगा, नहीं मतलब नहीं होगा अच्छा। तो इसीलिए आप लोग जो जब भी बनाओगे कभी तो अच्छे से मतलब गर्म होने दीजिएगा, आप लोग कढ़ाई में बनाओ या फिर तवे में अच्छे से गर्म होने के बाद ही बनाइएगा, तो ही अच्छा से मतलब ये होता है। तो अभी मैं एक एक करके सारे जो रोटी है सबको बना लूँगी मैं, और फिर हम लोग इसको नाश्ता कर लेंगे। और अगर आप लोग को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी मैंने सारी रोटी को बना लिया है, और आप लोग ना देख सकते हो कितना ही अच्छा बना है। तो अगर आप लोग कभी बनाओगे ना तो ऐसा ही बनना चाहिए, तभी ये अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग कर लेते हैं नाश्ता, और आप लोग भी कर लीजिए हमारे साथ नाश्ता। तो हेलो फ्रेंड्स, और आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने अपना नाश्ता बना लिया है, और हम लोगों ने नाश्ता कर भी लिया है। और ये जो मैंने रोटी बनाई है ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप लोग ऐसा नहीं बनाते हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिना ऑयल की हेल्दी नाश्ता, और ये बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि ये बिना ऑयल के बनता है। तो वैसे तो इसको ना हम लोग जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के जो तावे होता है मिलता है गाँव में, तो उसमें बनाते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने कढ़ाई सॉरी तावे पे बनाए हैं। और इसको कढ़ाई में भी आप लोग बना सकते हो, और अगर आप लोग कभी बनाना चाहो तो ज़रूर बनाना, इसको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ना ज़्यादातर मतलब दूध में खाने से अच्छा लगता है क्योंकि। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, और हम लोग अचानक से ही हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए, क्योंकि वो जो बहुत दिनों से ना मेरे जो पैर हैं बहुत दर्द कर रहे थे, और मेरी जेठानी को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, उनका भी पैर दर्द हो रहा था। तो इसलिए हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग हॉस्पिटल से आ जाएँ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, और ये मेरी जेठ जी हैं जो चला रहे हैं, और ये हम लोगों के जो रास्ते में पड़ता है। थोड़ा सा मैंने व्यू को दिखाया आप लोगों को, तो देखिए कितना अच्छा व्यू है। तो
हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, और ये जो सरकारी हॉस्पिटल होता है हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो फिर चलिए हम लोगों के साथ, आप लोग भी घूम आइए हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं और पहुँच गए हैं। तो यहीं पे है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, वह 5-10 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग अभी, मेरे जो जेठ जी हैं वो लोग, वो हमें छोड़ के चले गए हैं, उनको कुछ काम था। तो हम दोनों अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। और ये यहाँ पे जो है पर्ची काटी हम लोगों ने, तो आज ना हॉस्पिटल में थोड़ा भीड़ था ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। तो देखिए हॉस्पिटल का जो व्यू है वो भी बहुत ही सुंदर है। और अभी हम लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं, और ये जो स्टॉल है ये पानीपुरी स्टॉल है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग पानीपुरी खा लेते हैं। और अभी मैं खाने की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 12:30 बज चुके हैं। तो मैंने जो फूलगोभी है, फूलगोभी और आलू को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है नमक और हल्दी देके। तो इसमें मैं जो सरसों के दाने होते हैं उसको पेस्ट बनाकर उसको दे दूंगी। और सरसों, लहसुन और मिर्च को मैंने पीस लिया था। तो अभी मैं इसमें हल्दी नमक थोड़ा सा ऐड करके फिर इसको अच्छे से मिला लूँगी। और मैंने तवा गरम होने के लिए भी छोड़ दिया है। तो अभी मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी और फिर इसको अच्छे से पलट पलट कर रेड ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लूंगी। और मेरे किचन का जो लाइटिंग है ना, थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है। तो मैं बहुत जल्द ही अच्छे से अच्छा लाइटिंग लगा लूंगी किचन में, अभी तो नहीं लगा रही हूँ। तो बहुत जल्दी मैं इसको ठीक कर दूंगी। तो अभी मैंने जो आलू है उसको कर लिया है फ्राई, कर ले रही हूँ। और इधर मैंने जो कढ़ाई चढ़ाई है इसमें मैं जो टमाटर की चटनी है उसको कर लूँगी। तो सिंपल सा मेरा जो लंच है वो हो जाएगा। और बहुत टाइम हो चुका है तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और मैंने दाल और चावल पहले से ही बना लिया था, तो इसलिए मैं अभी जो सब्जी बना लूँगी जल्दी से, और फिर हम लोग कर लेंगे ना जो लंच है, तो वो लंच कर लेंगे हम लोग। तो और टमाटर की चटनी बहुत ही अच्छा लगता है ना, टमाटर के बिना तो हमारे घर में ना कोई खाना नहीं खाता है, क्योंकि टमाटर सबका फेवरेट है। तो हम लोग रोज़, में तो 2-3 दिन हो गया है अभी बना, रोज़ रोज़ बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो अभी मैं टमाटर को अच्छे से मतलब मिक्स करके सा नमक दे दिया है उसमें। और अभी मेरा जो आलू और फूल गोभी है उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो मेरा सारा अभी खाना पीना हो चुका है, तो अभी सॉरी मेरा जो खाना बनाना मेरा ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं गैस को भी साफ़ कर लूँगी, और खाना बनाने के तुरंत ही मैं सब गैस इंडक्शन को साफ़ कर लेती हूँ, और इधर जो छींटे वगैरह पड़े हुए होते हैं उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी।
मेरा जो टमाटर है वो पक गल चुका है, तो अभी मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लूँगी और इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी। और अभी मेरा टमाटर का चटनी बन चुका है, तो अभी मैं किचन को थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। और आप लोगों को मेरा आज का जो वीडियो है कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। मैंने अपना सारा काम कर लिया है, मैंने अपना लंच बना लिया है। और आप लोगों ने देखा कि हम लोग ना हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि वो क्या है ना, मेरे पैरों में ना अभी 10-15 दिन हो गए हैं मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं डॉक्टर को थोड़ा सा दिखा दूँ, इसलिए मैं और मेरी जिठानी, और मेरी जिठानी को भी वैसे ही दर्द हो रहा है जिससे मुझे हो रहा है, तो उनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हम दोनों गए थे और मेरी जेठ जी के साथ गए थे गाड़ी में। तो हम लोगों ने दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे डायबिटीज़ का जो टेस्ट होता है वो करने के लिए कहा था। तो हम लोगों ने दोनों को कहा था, तो हम दोनों ने टेस्ट किया तो रिपोर्ट वैसे तो नॉर्मल निकला है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है मुझे, तो इसीलिए ही हम लोग गए थे। और उसके वहाँ से आने के बाद 12:30 बज चुके थे, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया है और अपना जो लंच है मैंने पूरा बना लिया है, और अभी मैंने अपना किचन भी साफ कर दिया है। तो अभी हम लोग लंच कर लेंगे और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको आज का मेरा जो वीडियो है, जो ब्लॉग है, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।